सभी को नमस्कार। तो जहाँ तक हमने बात की तो वहाँ एक चीज़ को हमने नोटिस किया कि अभी तक हम जीने को जैसा मान रहे थे, तो ये लाइन हमारी बहुत सुनी हुई है, कहने वाले ने किस अर्थ में कहा और सुनने वाले ने किस अर्थ में कहा, दोनों में अंतर हो सकता है। लेकिन हमारे लिए यदि हमारी जीवन शैली को देखें तो कैसा लगता है, जियो मतलब जिंदा रहो और बाकी समाज सेवा, तो इसमें जीना कहीं आया ही नहीं। मतलब ये कितना बड़ा सम्मोहन है, जैसे जैसे ये आगे खुलता जाएगा जीना, तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे जाता है कि शब्द वही हैं, अधिकांश शब्द वही रहेंगे, लेकिन उस शब्द के नाम पे, पानी के नाम पे पानी ही मिले ना तो प्यास बुझेगा, पानी के नाम पे कोई और मटेरियल मैं ले रहा हूँ तो प्यास तो नहीं बुझने वाला है। तो हर जगह में ऐसी हम देखेंगे तो कितना गैप हमको दिखाई देगा। तो अभी जैसे एक चीज़ को हमने पहचाना कि जीने देना ही जीना है, नेचर में गए तो हमको ऐसा पता चला। इसको थोड़ा सा और मेरे को लगता है कि एक अच्छे संदर्भ के साथ हम देख सकते हैं। अभी मैं पिछले दिनों हमारे मित्र अरस्तु कहाँ चले गए, इनकी फैमिली में मैं था, दिल्ली में रहते हैं। मैंने चर्चा किया आपसे कि दिल्ली में एक अच्छी फैमिली है, बिजनेसमैन फैमिली है, और काफ़ी पूरी फैमिली और पूरा सर्किल मिलके इस तरह से सोच रहा है। तो फैमिली में चर्चा होती रही कि पहले से तो सब कुछ काफ़ी अच्छा हो गया है, और लेकिन किन्हीं चीज़ों पे तो सहमति असहमति होती है। तो उस दिन हमारी एक बहुत बढ़िया चर्चा हुई, वो चर्चा मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। देखो, चर्चा ये हुई कि जैसे थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि किसी चीज़ का आचरण क्या होता है, तो पानी का आचरण क्या है, प्यास बुझाना। यदि पानी प्यास ना बुझाए तो फिर वो पानी नहीं है। तो उसी तरह से हम बोल सकते हैं कि परिवार का आचरण क्या होता है, और कोई सुख समृद्धि पूर्वक जी रहा है तो उसका प्रमाण क्या होगा, शिकायतें नहीं है ये प्रमाण नहीं, वो नेगेटिव में ही देखने जाओगे। हर बार अपने को नेगेटिव चीज ध्यान में आती है। यदि सूत्र है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही, तो यदि कोई शिकायत मुक्त अभाव मुक्त जी रहा है उसको पॉजिटिव, शिकायत मुक्त अभाव मुक्त शब्द इसलिए लाना पड़ता है कि हम शिकायत और अभाव को शब्द को जल्दी रिलेट कर पाते हैं। ये नेगेटिव शब्द है, इसको ऐसे कहने की जरूरत नहीं है, दर्शन में ऐसा कहा नहीं गया है, इसको हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि शिकायत और अभाव के साथ आदमी जी रहा होता है। जब शिकायत और अभाव शब्द आता है तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है कि अच्छा अब मेरी बात हो रही है, उसी को मैं समाधान समृद्धि बोलूँ तो आपको लगेगा पता नहीं किसकी बात हो रही है। तो पॉजिटिवली कहें तो इसी का नाम समाधान और समृद्धि है, नेगेटिव शब्दों में कहें तो शिकायत मुक्त अभाव मुक्त परिवार है। तो एक परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त है, इसका प्रमाण क्या होगा, उस परिवार के माध्यम से कितने परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होने में अग्रसर है या उस दिशा में जा रहे हैं। भी मेरे को हिंदी बोलनी आती है तो मैं दूसरे को हिंदी सिखा सकता हूँ, दूसरा हिंदी सीख गया है वो तीसरे को सिखा सकता है, तो तीसरे को सिखा दिया मतलब दूसरे को आता था, मतलब पहला सिखा पाया। ये बात पहुँची सी तक पहुँच गया तो ए का प्रमाण आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे परिवार की आइडेंटिटी क्या है। यदि सही अर्थों में कहें तो हमारे परिवार की आइडेंटिटी क्या है, नेचर में किसी भी चीज की आइडेंटिटी क्या है, पानी की आइडेंटिटी क्या है, प्यास बुझाता है, खाने की आइडेंटिटी क्या है, भूख मिटाता है ना, पेड़ पौधे की आइडेंटिटी क्या है, फल देता है, ठीक। हर चीज की आइडेंटिटी वो है जो उसकी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है। सूरज की आइडेंटिटी क्या है, उसकी वजह से धरती पे है ना फल फूल और तमाम खाने पीने को हमको मिलता है,
तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये पता चलेगा कि हर चीज की आइडेंटिटी का मतलब है उसका कंट्रीब्यूशन उससे बड़ी व्यवस्था में। ये बात पहुंच रही। हमारे परिवार की आइडेंटिटी क्या है, अभी आइडेंटिटी क्या है, मैंने कितना पाया है, मेरी आइडेंटिटी मैंने क्या पाया है कि मैंने क्या दिया है। नेचर में आइडेंटिटी कैसी है, मैंने क्या दिया है। नेचर में किसी चीज का योगदान उसकी आइडेंटिटी है। हम जैसा परिवारों में जी रहे हैं, हमने कितना दूसरों से पाया है या संग्रह किया है या लूटा है, जो भी शब्द ठीक लगे। तो पाना आइडेंटिटी होगा, आपका घर कितना बड़ा है इससे मेरे को क्या मतलब। मुझको आपके, यदि आपका और मेरा कोई संबंध हो सकता है या मेरा आपके साथ कोई संबंध हो सकता है तो किस रूप में हो सकता है। तो इससे ये समझ में आया कि किसी भी एंटिटी का होने का जो आइडेंटिटी है वो उसका उससे बड़ी व्यवस्था में उसका योगदान है। तो हमारे परिवार का समाज के अर्थ में क्या योगदान है। ये आदर्श नहीं है, ये कोई समाज सेवा की बात नहीं हो रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं हो रही है, ये कोई धर्म और अध्यात्म की बात नहीं हो रही है। मेरे परिवार के सुखपूर्वक जीने के लिए, मेरे परिवार की ग्रोथ के लिए, मेरे परिवार का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन की सोचेंगे तो मेरे परिवार में मिलके बैठ के बात होगी कि इसके लिए एक एक आदमी को क्या करना है। तो दोस्तों उस सेंस में देखते हैं हमारा डिज़ाइन ही गलत है। हमने क्या पाया ये हमारी पहचान का आधार नहीं हो सकता। नेचर में ऐसा डिज़ाइन ही नहीं है। हर चीज़ की आइडेंटिटी का मतलब ही है कि उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, उसका क्या योगदान है उससे बड़ी व्यवस्था में। तो मेरे परिवार का योगदान क्या है समाज में, वो मेरे परिवार का सम्मान है। और उस योगदान के लिए परिवार के सारे लोग मिलके आपस में कैसा जिएंगे, इसका नाम जीना है। है ना। धीरे धीरे इनको और गहरा समझेंगे और गहरा फैलाएंगे। तो इन सारी चर्चाओं से ये निकल के आ रहा है कि ये कोई आदर्श नहीं है। आदर्श का मतलब जो सुनने में अच्छा लगे, प्रैक्टिसेबल ना हो, ये सब व्यावहारिक है। ऐसा किए बिना हमारा परिवार खुश रहेगा, आपस में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं होगा, उसका कोई नियम ही नहीं है। तो मेरा परिवार सुख शांति से रह सके, उसके लिए मेरे परिवार का बड़ी व्यवस्था में योगदान का स्वरूप कैसा होगा, उसको बनाए बिना मेरा परिवार सुख शांति से नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी है। कुछ भी कर लो। अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, अभी भी हमारा डिज़ाइन कैसा है। देखो, अभी भी हमारी फैमिली से कोई एक व्यक्ति किसी जॉब में होता है, या कोई एक व्यक्ति कोई फैक्ट्री को चलाता है या कोई काम करता है। आज भी स्थिति कैसी है, आज भी हमारे परिवार का स्वरूप ऐसा ही है कि हमारे परिवार का कोई एक व्यक्ति यदि टीचर है तो वो बाहर किसी व्यवस्था में जिंदा रहने के अर्थ में योगदान दे ही रहा है। यदि फैक्ट्री भी चलाता है तो बहुत सारे लोगों के जिंदा रहने के अर्थ में उसका कोई योगदान होता ही है। तो बेसिकली समाज में किसी योगदान के लिए वो परिवार एक एंटिटी है। परिवार का एक व्यक्ति जॉब करता है कि चार व्यक्ति जॉब करते हैं, जो जॉब नहीं करते हैं वो क्या करते हैं। जो जॉब नहीं करते हैं, मान लीजिए वाइफ जॉब नहीं करती है सपोज, तो बेसिकली वो हस्बैंड और वो पूरी फैमिली मिलके हमारे शरीर के रहने की व्यवस्था, शरीर के खाने की व्यवस्था, और फैक्ट्री चलती रहे उसके लिए हम लगातार जो भी मिलके करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो आज भी हमारा जिंदा रहने के अर्थ में कोई कंट्रीब्यूशन है ही, हम सभी का किसी ना किसी रूप में, ऐसा है कि नहीं है। आज भी है कि नहीं है, ऐसा हम कहाँ पहचानते हैं, हम क्या पहचानते हैं। हम ये पहचानते हैं कि फैक्ट्री से प्रॉफिट कितना आया, जॉब से सैलरी कितनी आई, हमारा फोकस कहाँ पे है। अभी तो हम जो कर रहे हैं वो भी हमारी कंसिडरेशन में नहीं है। मैं बात कह पा रहा हूं, अभी हमारा जॉब कर रहे हैं तो फोकस है कि सैलरी कितनी आएगी, और फैक्ट्री चला रहे हैं तो प्रॉफिट कितना आएगा।
कहाँ इस बात पे फोकस है कि मैं जिस जॉब को कर रहा हूँ उसमें दूसरों के साथ मैं क्या योगदान कर पा रहा हूँ और उस योगदान से मैं खुश होता हूँ। बहुत बढ़िया। कहाँ ये योगदान है कि मैं जो फैक्ट्री चलाता हूँ चाहे उसमें कोई भी मशीन बनती है वो मशीन हजारों लोगों की जिंदगी में जिंदा रहने के लिए उनको मदद करती है, उसकी क्वालिटी मैं बढ़िया बनाता हूँ, इस बात से मैं खुश रहता हूँ। तो अभी भी यदि डिज़ाइन देखेंगे तो वो नियम तो लागू है ही। जिस और किसी घर में कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता है तो उसके बाद भीख ही मांगना पड़ेगा या किसी पे निर्भर रहना पड़ेगा, इसमें तो परिवार का जिंदा रहने के अर्थ में भी सम्मान नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि आज कोई भी परिवार है, चाहे वो रिक्शा चलाए, चाहे वो मोची का काम करे, चाहे वो फैक्ट्री चलाए, चाहे वो खेत में काम करे, चाहे वो कुछ भी करे, अल्टीमेटली वो समाज के कुछ लोगों के जिंदा रहने में कोई योगदान देता है जिसकी वजह से वो परिवार एग्जिस्ट करता है। सर एक सेकंड माइक। बहुत अच्छा धारा प्रवाह में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ कि वो दिल्ली के परिवार का आप वो दे रहे थे हवाला, वो शायद इस प्रवाह में आगे चले गए, वो पूरा नहीं हुआ। दिल्ली दिल्ली बिजनेस फैमिली वाला। हाँ वही बता रहा हूँ, अरस्तु भाई वही फैमिली से हैं। हाँ, उसकी बात वापस। इन्हीं के परिवार में वो चर्चा हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं संदर्भों में हम उस बात को सोच भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, पर किन्हीं क्षणों में बहुत गहरा ध्यान उस बात पे चला जाता है ना। इतने साल से मैं इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन उन क्षणों में जैसा मैंने फील किया, ये जो फील करने का दरवाज़ा है ये 0 और 1 नहीं है, ये धीरे धीरे ऐसे खुलता 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 तो कोई क्षण में ऐसा पूरा खुलेगा। तो इसका मतलब है कि ये पूरी नेचर जैसी है, ये पूरा एग्जिस्टेंस जैसा है, मैं मानव उसमें जैसा हूँ, हर एक चीज़ को वैसा ही महसूस कर पाना, वैसा ही अनुभूत कर पाना, ये अपने आप में एक जर्नी है। और यदि उसके ऊपर हम लगातार काम करते हैं तो हमारे भी हमारा हमारा भाव और विचार का दरवाज़ा फैलता जाता है और वो अस्तित्व सहज हो जाता है, नेचर के अनुरूप हो जाता है। तो मामला इतना ही है कि मेरी कल्पना से ये संसार चलेगा या ये संसार किसी नियम से चलता है, ये संसार मेरी कल्पना के अनुसार चलेगा या ये संसार किसी नियम से चलता है। तो मेरी कल्पना को नियम के अनुरूप होना है कि नियम को मेरी कल्पना के अनुरूप होना है। मेरी कल्पना नियम के अनुरूप हो जाए, मेरी कल्पना में मैं उस नियम को पहचान सकूं, उस एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को पहचान सकूं, मैं उस खुद उसके स्वरूप में हो जाऊं, इसलिए इसको कभी बहुत खुश होकर बोलता हूं तो मैं ऐसे ही बोलता हूं कि अस्तित्व की बारात निकली है। इस पूरी नेचर में कोई परेशान नहीं है, ना एटम परेशान है, ना सेल परेशान है, ना गाय परेशान है, ना शेर परेशान है, सब अपना अपना नेचर में काम करते हैं और अपने ना सूरज धरती चांद सितारे सब अपने अपने नियम के साथ। ये मानव परेशान है। तो परेशानी का इतना ही मतलब है कि नेचर में जो बारात निकली है उस बारात में मैं शामिल हो सकता हूँ, लेकिन उसका नियम समझना होगा। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिलता था, तो जिस दिन अच्छा खाना खाने का मन करता था उस दिन कोई बारात में शामिल हो जाते थे तो उसके नियम था कि कपड़े ठीक ठाक पहनने पड़ते थे, तो बारात का भी एक नियम था। तो ये अस्तित्व का भी एक नियम है। तो अस्तित्व की बारात में शामिल होने के लिए अस्तित्व के नियम को समझना होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अस्तित्व की बारात के नियम को समझा जाए, बारात में शामिल हुआ जाए, डांस करते हुए ज़िंदगी बिताया जाए। जिसने अपनी बारात निकालने की कोशिश की उसका जनाजा ही निकलेगा, ये भी सही। अपना नियम नहीं बना सकते, नियम तो नेचर का ही चलेगा। माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ लाइव रूल्स का इतना ही मतलब हो सकता है आप काली शर्ट पहन लो, नीली पहन लो। पुरुष बेचारा क्या करेगा, इतनी सी मोरी है, इसको कभी इतना कर लेता है कभी इतना कर लेता है, बस इतना ही कर सकता है, क्या करेगा इससे ज़्यादा। इतना ही करेगा। वे पुरानी फिल्में देख लो, कभी यहाँ तक आ जाता है कभी यहाँ तक आ जाता है, बस है। हाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लेगा और क्या करेगा। अब इतने में ही खुशी मिल जाए तो ठीक है भाई, इतने में तो मैं खुश नहीं हो सकता ना।
चलिए, तो एक बात ये समझ में आई कि जीने देना ही जीना है, और मेरे को लगता है कि बहुत बढ़िया चर्चा हुई आज के दिन। मेरे को ये इस पॉइंट को अपने ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एक मानव के रूप में मेरी पहचान क्या है, एक मानव के रूप में मेरी पहचान क्या है, इस पेन की पहचान क्या है, पेन की उपयोगिता, मेरी पहचान क्या है, मेरी उपयोगिता। तो अभी मेरी उपयोगिता मेरी जिंदगी में और मेरे परिवार में जिंदा रहने के अर्थ में है कि जीने के अर्थ में है, इतना ही गैप है। जिस दिन मैं उसको टोटैलिटी में पहचानूंगा, संपूर्णता में पहचानूंगा, वो मेरी तृप्ति हो जाएगी। इसी का नाम अभाव है कि मैंने जीने को नहीं पहचाना है, इसी का नाम अभाव है। और क्या पहचान सकते हैं, नेचर में क्या समझ में आया, इतना सब देख के समझ में आया कि ये प्रकृति स्वयं में व्यवस्था है, प्रकृति स्वयं में व्यवस्था है। व्यवस्था का स्वरूप कैसे है, कैसे व्यवस्थित है, ये भी पता चला कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था, व्यवस्था एज ए होल, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि अपने आप में व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का स्वरूप है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। कैसे पता, एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, माइक। ये ऋतुएं हैं, दिन रात हैं, ये सब जो है प्रकृति की चीजें सब अपने नियम से, व्यवस्था से जो है चलती है, है सर्दी गर्मी। देखो थोड़ा सा उसको और पीछे लेके जाना होगा कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है। यदि हम ऋतुओं की बात कर रहे हैं तो ऋतु का मतलब है कि धरती पे ऋतुओं की बात कर रहे हैं। यदि धरती पे ऋतुओं की बात कर रहे हैं तो वो सूरज की परस्परता में बात कर रहे हैं। तो धरती को किसने बताया होगा कि 23 डिग्री पे धरती अपने एक्सिस पे टिल्ट रहेगी और अंडाकार गति से सूरज के चक्कर लगाएगी तो धरती पे ऋतु परिवर्तन होता है। उसने देखा कि मैंने ये इंसान तैयार किए तो उनके हिसाब से जो है प्रकृति ने तैयार किया अपने आप को जो इंसानों के लिए, सॉरी। क्या बोल दिया है? हाँ, धरती भी अपने बच्चे को देख के कैसा दुखी होती होगी, कैसा नटखट बच्चा पैदा हो गया। हाँ जी, माइक पीछे, माइक, बहुत नटखट बच्चा है। ओम, जैसे कि कहा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक एटम में जैसी संरचना है वो अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून के हिसाब से वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि एक नियम का इलेक्ट्रॉन तोड़ के दूसरे में घुस रहा है, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा करते हैं तो प्रकृति के हम दूसरी विकृति पैदा करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन उसका जो मूल स्वरूप है वो उसी रूप में है। और हर एटम जुड़ के एक पदार्थ का निर्माण करता है और हर पदार्थ जुड़ के प्रकृति की सृष्टि का एक हिस्सा बनता है और उसमें भागीदारी निभाता है, ये सामान्य रूप में देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शरीर में भी देखें तो किडनी अपना काम करती है, हार्ट अपना काम करता है, हर अंग जितने भी हैं, और कुल मिला के शरीर एक व्यवस्था के रूप में चलता रहता है। तो इससे ये समझ में आया कि नेचर में हर इकाई, एटम से लेके, सेल से लेके, किडनी से लेके, हार्ट से लेके, धरती से लेके, सौर मंडल से लेके, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और उससे बड़ी व्यवस्था में या समग्र व्यवस्था में उसकी एक निश्चित भूमिका है। समग्र व्यवस्था में जो भागीदारी है, इसी को कहते हैं कि हर इकाई का आचरण निश्चित है, आचरण निश्चित है। तो जो निश्चित आचरण है,
वो जो निश्चित आचरण है ये समग्र व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप है। तो आचरण को है ना, तो आचरण का मतलब बड़ा है। बोले कोई गाय तो सिंह मार देती है, कोई गाय तो नहीं मारती है, तो गाय का भी आचरण अलग अलग होता है, ये गाय का आचरण नहीं है। तो गाय का होना, शेर का होना, उस पूरे प्लैनेट की जो जीव अवस्था है, उसको जो पूरे प्लैनेट की व्यवस्था है उसमें जो उसका रोल है वो उसका आचरण है। ऐसे आचरण एक बड़ा शब्द है। तो इससे पता चला कि हर इकाई का आचरण निश्चित है। इससे ये भी ध्यान में आ गया, इससे ये भी ध्यान में आ गया कि हर इकाई स्वनियंत्रित है। हर इकाई स्वनियंत्रित है। और क्या ध्यान में आ गया नेचर को देखने से, नेचर में व्यवस्था को देखने से, और क्या क्या ध्यान में आया? हर इकाई का स्वनियंत्रित है। इससे यह भी पता चला कि हर इकाई स्व अनुशासित है। और क्या ध्यान में आया नेचर को देखने से, और क्या ध्यान में आया? नियम के अनुसार है, वो निश्चित आचरण में आ गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सभी इकाइयां परस्पर पूरक हैं। सभी इकाइयां, उनमें आपस में झगड़ा नहीं है, परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसलिए हजारों साल से शेर भी शेर है, हाथी भी है, पीपल भी है, नीम भी है, किसी ने किसी को ख़त्म नहीं कर दिया है। चींटी भी है ना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आकार में और सभी तरह से, सभी की निरंतरता है, सभी बने हुए हैं इस धरती में। जिन जिन की आवश्यकता है सभी हमेशा बने रहते हैं, कोई किसी को ख़त्म नहीं कर देता है ना। पशुओं ने खा के पूरा वनस्पति संसार ख़त्म कर दिया, शेर ने खा के पूरे पशुओं को ख़त्म कर दिया, ऐसी स्थिति नहीं है। और क्या ध्यान में आ गया? हाँ जी, ये भी बहुत बड़ी शक्ति है कि अगर कोई इस नियम को तोड़े इस प्रकृति में तो वो कोविड कोरोना जैसा वायरस भी छोड़ देती है, जो है ना। तो प्रकृति के साथ कोई इस सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस आए किसी भी तरह का, तो वो उसको बैलेंस कर दे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, भूख, ये जो आपके जो है माइक आपके लिए है, प्राकृतिक आपदाएं जो है भी पैदा कर देती है, या कोरोना उसका एक एग्जांपल है। मैं गलत हूं जी? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और कुछ ध्यान में आता है? हाँ जी, चालू है, चालू। हेलो सर, आपने कहा कि सब कुछ स्वर नियंत्रित स्वर अनुशासित है। जब डायनासोर काल था तो उन्होंने आपस में ख़त्म करके फिर मतलब वो आपस में लड़के ख़त्म हो गए। हाँ। और जो इंसानों की उत्पत्ति हुई है, जो लगभग 2 लाख साल या जो भी हम टाइम पीरियड बताते हैं, उसके पहले तो इंसान नहीं थे। हाँ, इसका तो मतलब यही था, इसका मतलब यही हुआ। और सर भगवान भी तो होंगे कहीं? पहले मानव को समझ लेते हैं, फिर भगवान को देख लेंगे, क्योंकि मानव को समझने वाला भी भगवान, भगवान को समझने वाला भी मानव ही है। तो पहले अपने मानव होने को पहचान लें तो आगे की बात करेंगे। तो डायनासोर या कोई भी चीज़ हम बात हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इस धरती लगातार इवॉल्व होती है। जैसे एक बच्चा छोटा रहता है, वो सुसुपोटी करता है, किसी पॉइंट के बाद उसको समझ में आ जाता है कि हाँ सुसुपोटी आती है तो कहाँ करना है, बताना है। उसी प्रकार एक स्टेजेस के बाद ऐसे कई स्टेजेस से हम गुजर रहे हैं। तो ये धरती का इवोल्यूशन का मतलब है कि धरती पे एक तरह का वातावरण बनता है। यदि मानव को इस धरती पे आना था तो मानव के अनुकूल वातावरण बनने के क्रम में कुछ परिवर्तन होगा, उस क्रम में कि जिसको रहने की आवश्यकता होगी, जिसको नहीं रहने की आवश्यकता होगी। तो बहुत सारे परिवर्तन धरती पे उसके इवोल्यूशन के क्रम में होते हैं। उस क्रम में किसी चीज़ का रहना और ना रहना एक घटना है, लेकिन फाइनली मानव इस धरती पे है, ये हमको समझ में आ रहा है। मानव इस धरती पे है और उसके जिंदा रहने का जो भी सामान है
है ना, तमाम फल फूल और साग भग सब्जी और दालें और तमाम चीज़ें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इससे समझ में आया है कि धरती का यहाँ तक इवॉल्व होने का डिज़ाइन उन तमाम यात्राओं से होकर गुजरा है जिसमें हम बहुत सारे परिवर्तनों को देखते हैं, फिर चाहे वो हिमयुग की बात करें चाहे और किसी युग की बात करें, तो एक परिवर्तन था। तो अभी तक जितनी हमने चर्चा किया, फिर से अपन कनेक्ट हो जाएं, हम क्यों ये सब कर रहे हैं, ये मेहनत हम क्यों कर रहे हैं। मानव है, मानव सुखी होना चाहता है, सुख की निरंतरता चाहता है। सुख क्या है? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, इसी को समाधान बोल रहे हैं। तो व्यवस्था को समझने के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं कि व्यवस्था, हमारे मानव की बनाई हुई व्यवस्था क्यों इतनी उटपटांग है, उसको समझने के लिए हम नेचर में व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमको अपनी व्यवस्था के गैप दिखाई दे सकें और हम उस व्यवस्था को अपने भीतर और बाहर हैंडल कर पाए। और कोई बात दिखाई देती है? और कोई बात आपके ध्यान में आती है? हाँ जी, माइक उधर पीछे, पीछे एक माइक। हाँ, आप खड़े हो जाइए। हाँ हेलो, हाँ आप बोलोगे या मैं बोलूँ? नहीं नहीं, आप बोलो, तो जिसके हाथ में वही बोलेगा। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, जब हम एक्चुअली पेड़ को देखते हैं ना, हम एक्चुअली ध्यान नहीं देते हैं। अगर पेड़ को आप देखोगे तो पेड़ की जड़ें खुराक लेने का उसका माध्यम है, वो जड़ें खुराक देती हैं, जड़ें खुराक से तने को देती हैं, तने से पत्ती को देती हैं। तो जब जड़ से खुराक जाती है तो ऊपर तक फलता फूलता है, वो पत्तियों तक फलता फूलता है। लेकिन जब वो गिरता है, अब पत्तियाँ पतझड़ में गिरती हैं, पत्तियाँ गिरती हैं, तना नहीं गिरता है, तना खड़ा रहता है, वो पत्ती दोबारा फिर आ जाती है, वो रह जाती है, लेकिन तना नहीं गिरता है। जब तना सूखता भी है तो वो ऊपर से सूखना शुरू करता है, पहले पहले ऊपर का पोर्शन सूखेगा, फिर नीचे का पोर्शन सूखेगा, और सबसे बाद में जड़ सूखती। तो ये एक व्यवस्था है, नीचे से ऊपर खुराक चलती है और ऊपर से नीचे जो प्रोग्रेस है, अगर वो झड़ता भी है तो ऊपर से नीचे झड़ता है। और अब कहते हैं कि जड़ों से मत उखड़ो, मतलब जड़ों से उखड़ने का मतलब है कि अगर जड़ से पेड़ कमजोर है तो वो गिर गया तो उसका तना भी गया और पत्ती भी गई और सारा कुछ गया। पत्ती गई अकेली तो पेड़ सारा खड़ा रहता है, बाकी कुछ नहीं जाता, तना भी नहीं जाता। तना गया तो आधा जाता है, पत्ती और तना चला जाता है, जड़ नहीं जाती। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है पेड़ों में, हम एक्चुअली ध्यान नहीं देते हैं, हम तो ऐसे ही बस खा पी कर निकल लिया वाला काम। जी बढ़िया। तो एक और बात समझ में आती है कि नेचर में जो व्यवस्था का स्वरूप है वो नीचे से ऊपर है। नीचे से ऊपर का मतलब बॉटम अप है। बॉटम अप मतलब पार्टिकल मिलके एटम हुआ, एटम मिलके मॉलिक्यूल हुआ, मॉलिक्यूल मिलके पिंड हुआ, मॉलिक्यूल मिलके सेल हुआ, सेल मिलके ऑर्गन हुआ, ऑर्गन मिलके बॉडी हुआ, और एक प्लैनेट हुआ, और फिर कई प्लैनेट मिलके सोलर सिस्टम हुआ। तो इस रूप में हम देखते हैं कि नेचर में व्यवस्था का स्वरूप वो नीचे से ऊपर दिखाई देता है। हमारे परिवार में व्यवस्था का स्वरूप कैसे दिखाई देता है? ऊपर से नीचे दिखाई देता है, है ना। धीरे से इसको समझेंगे, ये गैप कहाँ पे हैं और कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो ये हमको दिखाई दिया कि इस रूप में हमको नेचर में व्यवस्था दिखाई दी। लिंक देखिए, एक मतलब ये बात इम्पॉर्टेंट है इस पूरे वर्कशॉप या इस तरह समझने में, जो शुरू में पहले दिन से हमने शुरू किया और लास्ट में आखिरी दिन तक, वो कनेक्शन आपके भीतर लगातार बनता चले। कनेक्शन बनता चलेगा तो इसका नाम समझ है, नहीं तो कोई एक सेशन में आपको अच्छा लगा और फिर दूसरे सेशन का लिंक आपस में नहीं बना। तो मैंने शुरू दिन भी कहा था कि पहले दिन का पहला शब्द, आखिरी दिन का आखिरा शब्द, वो कुल मिला के एक सीधी लाइन है, वो कनेक्शन हम बिठाए रखें। तो हमने कहाँ से शुरू किया, पहले दिन कहाँ से शुरू किया? हमने शुरू किया था कि एड्रेस, यदि एड्रेस ही गलत होगा तो कितने साल, कितने दिन, कितने घंटे मेहनत करना होगा। तो पता चला कि एड्रेस ही गलत है, हमने जिंदा रहने को जीना माना है। जीना क्या है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना है? सुख की निरंतरता। सुख क्या है? व्यवस्था को समझना। और व्यवस्था क्या है, उसको हम नेचर में समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये लिंक हम लगातार ऐसे बनाए रखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो
तो लगातार अपने में जो भी कुछ हम कर रहे हैं, देखो इसको क्वेश्चन के रूप में लिख देता हूं ताकि ये क्लैरिटी बनी रहेगी। तो क्या क्वेश्चन है मूल में? दो ही प्रश्न, क्यों जीना है और कैसे जीना है। एक बहुत अच्छा संदर्भ मेरे को लगता है आपसे शेयर कर देता हूं, और अभी बात भी चल रही है। दिल्ली के किसी एक शिविर में इस बात पर चर्चा होती रही कि भाई क्यों जीना है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि क्यों जीना है इम्पॉर्टेंट सवाल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जहाज जा कहाँ रहा है। पहले ये बताओ कि जहाज जा कहाँ रहा है। तो फिर उसने कहा कि देखो मैं तो जहाज पे हूँ, मैं दारू पीऊँ तो भी जहाज पे हूँ, प्यार करूँ तो भी जहाज पे हूँ, और जहाज वालों के साथ बहुत मित्रता से रह के कोई योगदान दे दूँ तो भी जहाज पे हूँ, सो जाऊँ तो भी जहाज पे हूँ, और घूमता हूँ तो भी जहाज पे हूँ, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ जहाज जा रहा है। तो मैं क्यों जी रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जहाज कहाँ जा रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं शिविर में, एक से एक बढ़िया लोग मिलते हैं और बढ़िया तरह से इस बात को बोलते हैं। तो बताइए जहाज मतलब क्या? जहाज मतलब क्या है? समुदाय। समुदाय तो बहुत, वो तो नटखट बच्चा है। प्रकृति। प्रकृति मतलब चार अवस्था, मतलब धरती, मतलब धरती, मतलब धरती अपने आप तो कहीं जा नहीं रही है, तो सोलर सिस्टम में है, तो सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब वो तो गैलेक्सी के चक्कर काट रहा है। गैलेक्सी मतलब वो तो और किसी का चक्कर काट रहा है। इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड। तो मूल बात ये है कि मैं इस प्लेनेट पे हूँ, प्लेनेट में भारत में हूँ, भारत में राजस्थान में हूँ, राजस्थान में पुष्कर में हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये प्लेनेट सोलर सिस्टम का पार्ट है। ये सोलर सिस्टम 9 लाख किलोमीटर पर आवर की गति से किसी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, और इस प्लेनेट पे जितने भी ग्रह गोल 9 प्लेनेट हैं उनका तो असर हमारी ज़िंदगी में होता ही है, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी के रूप में बोलते हैं। इसका मतलब है कि मामला धरती का, मामला धरती तक सीमित है कि सारे सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और सूर्य से हमारी ज़िंदगी बहुत अधिक प्रभावित है ये भी दिखाई देता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी, हम में से एक एक की ज़िंदगी केवल इस प्लेनेट तक सीमित नहीं है, हमारी ज़िंदगी के तार पूरे सोलर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ज़िंदगी के तार सोलर सिस्टम किसी गैलेक्सी से प्रभावित है, आगे भी है। तो इसका मतलब है, सवाल ये है कि मैं तो इस भारत, इस धरती पे रहूँगा, इतना ही कर सकता हूँ कि अमेरिका में रहूँ, कि इंडिया में रहूँ, कि श्रीलंका में रहूँ, कि नेपाल में रहूँ, कि भूटान में रहूँ, फाइनली तो धरती पे ही रहूँगा, और फाइनली धरती तो सोलर सिस्टम का पार्ट है, और फाइनली तो कोई नियम काम कर रहा है, तो मैं क्यों जी रहा हूँ ये छोटा सवाल है। ये जहाज जा कहाँ रहा है ये मूल सवाल है। बोलो खुदा के बंदो। बोले आज शाम को क्या बनेगा? बोले छोड़ना यार, इतना क्या सोचना। सभी इसी सोलर सिस्टम में हैं। माइक ले लो तुम। हेलो, हम इसी सोलर सिस्टम में है ना, जा तो कहीं नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना और ये सोलर सिस्टम भाग रहा है लगातार खड़ा थोड़ी है। और धरती पर अगर देखा जाए, मानव का देखा जाए, तो है तो वो यहीं कहीं ना वाला, तो इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। उससे कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कहीं तो जा रहा है ये मामला।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो सार बात इतनी है कि मैं कुछ भी सोच लूँ, कुछ भी चाह लूँ, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये सब कुछ किसी नियम से संचालित है और उसके मूल में कोई चीज़ है या मूल में कोई बात है, उसको समझना ज़रूरी है। मैंने क्या शुरू किया था इधर? हाँ, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि मैं जी कहाँ रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं संसार में हूँ। संसार में तो मूल प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कंटेंट केवल इतना है कि बेसिकली संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, मूल बात इतनी है। ये मूल प्रश्न है और ये मूल कंटेंट है। इन दो प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए ये समझने से ये दो प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। संसार क्या है? मतलब संसार का मतलब भारत की बात नहीं हो रही है, संसार का मतलब है कि ये अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ये पूरी कायनात, ये पूरा जहाज। मैं का मतलब है कि मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ। फिर निकल के आएगा कि करना क्या है। हम करना क्या है को किसी से अभी पूछ रहे हैं या किसी को कॉपी कर रहे हैं? अभी हमारा करना कैसा है? या तो किसी को कॉपी कर रहे हैं या किसी से पूछ रहे हैं। और जो कुछ आंसर मिल रहा है वो कैसा है? वो जिंदा रहने के अर्थ में है कि जीने के अर्थ में है? वो जिंदा रहने के अर्थ में है। तो जो खा पी के यदि करना क्या है, उसमें कैसे भी करके हम जिंदा रह गए, उससे हमारी तृप्ति फाइनली नहीं हो रही है, तो फिर लगता है कि ये क्या निकला। तो इस पूरी चर्चा से यहाँ से एक बात निकल के आती है कि फाइनली करना क्या है। तो मेरे को लगता है कि और थोड़ा मूल में चलते हैं, मानव की बनाई हुई व्यवस्था कैसी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मानव की बनाई हुई व्यवस्था का हमने नाम क्या दिया है? हम दो शब्द यूज करते हैं, शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था का मतलब, शासन का मतलब दूसरे को कंट्रोल करना। एक शासन होता है, एक स्वानुशासन होता है। तो शासन और स्वानुशासन से हमको फर्क पता चलता है कि जब मैं स्वानुशासित होता हूं तो मैं खुद को नियंत्रित करता हूं, और शासन का मतलब है कि कोई दूसरा मुझको नियंत्रित करता है, ऐसा शासन का मतलब है। तो शासन से कोई दूसरा हमको नियंत्रित करेगा और व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा हम मानते हैं। हम घर में भी यही कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों को नियंत्रित करेंगे, पति पत्नी एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे, ऑफिस में भी एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे। और कैसे नियंत्रित करेंगे? तो मानव को मानव बोलते हैं क्योंकि वो मन से संचालित है, इसलिए उसका नाम मानव है। मानव मन से संचालित है इसलिए उसका नाम मानव है। ये मानव जैसा मानता है वैसा जीता है, जैसा मानता है वैसा दूसरे को मनाता है, वैसा दूसरे को मनाना चाहता है। ये मानना और मनाने के बीच में नियंत्रण आ जाता है, इसका नाम नियंत्रण है। परेशानी कहाँ से शुरू होती है? एक पत्नी को जो ठीक लगता है वो पति वैसा चले ऐसा वो चाहती है, पति को जो ठीक लगता है पत्नी वैसा चले ऐसा वो चाहते हैं, माँ बाप को लगता है कि बच्चे जैसा चलें, और बच्चों को किसी पॉइंट पे चलता है कि हम ठीक चल रहे हैं। अभी ये तय नहीं हो रहा है कि ठीक कौन है, क्योंकि हमारे पास कोई यूनिवर्सल ग्राउंड नहीं है। तो अब ये पता चला कि ये मानने और मनाने के बीच में सारा झंझट है। तो मानना दो तरह से होता है, मानना दो तरीके से होता है, एक बिना जाने मानना होता है, एक बिना जाने मानना होता है। बिना जाने जब मानना होता है, दूसरा जानकर मानना होता है। ये दो तरह का मानना होता है। तो जानकर मानना और बिना जाने मानना। जब कोई व्यक्ति बिना जाने मानता है तो तीन तरीके से मानता है। कभी वो भय से मानता है, कभी वो प्रलोभन से मानता है, कभी वो आस्था से मानता है।
अपने बारे में जांच के देखें मैं सारी बातों को कैसे मानता हूं, कभी लोग क्या कहेंगे ये किसमें आएगा, लोग क्या कहेंगे ये किसमें आएगा, लोग क्या कहेंगे ये किसमें आएगा, ओए कुछ नहीं सोचे हो, लोग क्या कहेंगे ये मूल में भय में आएगा कि आस्था में आएगा। आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, हु केयर्स। ये आजकल के बच्चे क्यों नहीं डर रहे उस बात से जिस बात से हम लोग डर रहे थे, ये भयभीत क्यों नहीं है, ये निर्भय कैसे हो गए। हाँ जी, लोग क्या कहेंगे ये भय में आएगा कि आस्था में आएगा, भय में आएगा। आस्था है इसलिए भय काम करता है या भय का भय ऐसे आ जाता है, आस्था है हमारे पास ये स्वीकृति है कि लोग मुझको अच्छा बोलें, लोगों की नज़रों में मैं अच्छा बना रहूं, समाज की नज़रों में मैं अच्छा बना रहूं, ये मैंने स्वीकारा हुआ है, मेरी आस्था है, इसलिए उसका भय है। यदि आस्था अभी के बच्चों में समाज के प्रति वैसी आस्था नहीं है तो कहते हैं हु केयर्स, जिसको जो सोचना है सोचे, मुझको जो ठीक लगेगा मैं करूँगा। वो कहाँ ऐसा सोच रहा है, वो प्रभावित किसी दूसरे तरीके से हो सकता है, लेकिन जैसे हम प्रभावित थे उससे वो अलग हटके प्रभावित है। तो इसका मतलब है कि आस्था है इसलिए भय काम करता है, आस्था नहीं होगी तो भय काम नहीं करेगा, है ना। हिंदू रहता है नवरात्रे आते हैं तो उसको बराबर याद रहता है, नौ के नौ नहीं कर रहे हैं तो चल पहला आखिरी कर लेते हैं, कोई नुकसान ना कर दें देवी देवता, है ना। आपको कहाँ याद रहता है कि रोज़ा कब आया कब चला गया, तो जिसको रोज़े के प्रति आस्था है उसको रोज़ा याद रहता है, और वो वहाँ से उसको करने या ना करने के प्रति उसके कोई भाव हो सकते हैं और हमारे ऐसे हो सकते हैं। तो इससे समझ में आता है कि जो जहाँ से नियंत्रित है वहाँ से फिर उसके विचार भाव और विचार काम, जिसने जैसा स्वीकारा हुआ है, स्वीकृति के भाव मतलब भव की स्वीकृति भाव है, जैसा स्वीकारा हुआ है। तो इसका मतलब है कि कभी हम भय से प्रलोभन, भय से नियंत्रित होते हैं। भय का एग्जाम्पल, हाँ, लोग क्या कहेंगे बेसिकली ये आस्था है ना। बच्चे को प्रलोभन देते हैं, भैया पढ़ ले मोटरसाइकिल दिलाएंगे इतने मार्क्स आएंगे तो, और हमारी भी पूरी जॉब में वो प्रलोभन ही होता है किसी का, चाहे वो इंक्रीमेंट हो। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, वो भय के बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसे भय है कि आप नरक में जाओगे। हाँ, ये वाला भय है, ये भी बहुत तगड़ा वाला भय। और ये भय भी फिर से इसके रूट में जाएंगे। ये भय कब काम कर रहा है, जब मैंने आस्था है कि नरक होता है। मैं पूरा ये सेशन चल रहा है, मैं उसको कृषि कानून और कृषि आंदोलन के ऊपर से देख रहा हूँ, पूरा फिट बैठ रहा है सर। अच्छा, कैसे देख लिया? बस वो तो आप आगे आगे। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मानव के रूप में ऐसे भय से ज्यादा पावरफुल क्या है, प्रलोभन से ज्यादा पावरफुल क्या है, आस्था। तो एक मानव जब अपने आप को नियंत्रित करता है, हम भी तो अपने आप को नियंत्रित करते हैं, कैसे भाव आए कैसे भाव ना आए, कैसे विचार आए कैसे विचार ना आए, मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना। तो मेरे भाव में, विचार में, व्यवहार में, कार्य में, जो कुछ भी मैं कर रहा होता हूं उसमें भी मैं अपने आप को नियंत्रित करता हूं। कैसे नियंत्रित करता हूं, कभी भय से, कभी प्रलोभन से, कभी आस्था से। एक परिवार के रूप में भी हम एक दूसरे को नियंत्रित कैसे करते हैं, एक दूसरे को कैसे नियंत्रित करते हैं, ठीक, कभी भय से नियंत्रित करते हैं,
ना मम्मी बोलती है छोटे बच्चों को, पप्पा को बता दूंगी, पप्पा ना हुए गब्बर सिंह हो गए, है ना। कभी प्रलोभन, बच्चा घर से बाहर जाता है तो बस लास्ट सेंटेंस यही होता है, बस बेटा घर की इज्जत का ख्याल रखना, अंतिम हथियार ये अंतिम वाक्य होता है, इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, क्योंकि घर की इज्जत के प्रति बच्चे के मन में आस्था है। तो उस आस्था का प्रयोग हम फाइनली करते हैं कि वो अपने आप को नियंत्रित करके रखे। समाज में हम एक दूसरे को कैसे नियंत्रित करते हैं, समाज में कैसे करते हैं, परिवार का एक्सटेंशन ही समाज है। चलो, व्यापार में एक दूसरे को कैसे नियंत्रित करते हैं, व्यापार में हम कैसे नियंत्रित होते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं, प्रलोभन से। तो बेसिकली प्रॉफिट, पैसा ज़्यादा कहाँ से आ जाए, और पैसा आने के लिए हनुमान जी क्या मदद कर सकते हैं, और पैसा आएगा नहीं इसके लिए भय है। तो मूल चीज़ प्रलोभन है, प्रलोभन के लिए को पूरा करने के लिए कोई आस्थाएं भी, हमारे आस्थाओं का सहारा भी हम लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा में हम कैसे नियंत्रित होते हैं और कैसे नियंत्रित करते हैं, शिक्षा, एजुकेशन में हम कैसे नियंत्रित होते हैं और करते हैं, भय प्रलोभन की प्रलोभन। बच्चों के लिए माँ बाप एटीएम मशीन, और बच्चे एटीएम मशीन हो जाएं, यही माँ बाप की सफलता। पैकेज कितने का मिला, अंतिम उपलब्धि यही है। संबंध का क्या हुआ, बोले उसकी चर्चा मत करो। तो इसका अर्थ हुआ कि सारी एजुकेशन, इसलिए शिक्षा और व्यापार एक ही बात है, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया, क्योंकि बेसिकली उस शिक्षा की हैसियत भी इतनी ही है, वो पैसा दे सकती है, उससे हमको जॉब मिलती है, पैसा मिलता है, उससे ज़्यादा की कोई बात उसमें है भी नहीं। हमारा स्वास्थ्य का तंत्र कैसे, स्वास्थ्य के तंत्र में हम कैसे नियंत्रित होते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का तंत्र बेसिकली प्रलोभन से ही नियंत्रित है। हॉस्पिटल प्रॉफिट मेकिंग के लिए, है ना, डॉक्टर अपनी सैलरी के लिए, ठीक है, उसमें से कुछ लोग बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जिस मॉडल की तरफ जा रहे हैं, कॉरपोरेट मॉडल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ वो भी एक व्यापार है। और फाइनली हमारा शासन, शासन में सारा नियंत्रण कैसे होता है, तो कुल मिला के दंड संहिता। शासन की ताकत क्या है, कि उसके पास पुलिस है, उसके पास मिलिट्री है और कोर्ट है, और क्या बोलें, और कोई बचा, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, न्याय। न्याय को हम कैसे, भय, फिर भय के लिए प्रलोभन, उसके लिए आस्था। ऐसे हम देख सकते हैं, ये सारी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना सुख है। हमने जिसको व्यवस्था माना है, उसकी औकात, उसकी हैसियत देख रहे हैं कि वो हमको कहाँ तक ले जा सकता है और कैसे, उसमें क्या गैप्स हैं, और वक्त के साथ साथ उसको बदलने की कितनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम आगे की बात को सोचेंगे। ये बात ठीक है। तो एक मानव की चर्चा करते हैं। हाँ जी, माइक। इसी अवस्था में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, धर्म, धर्म का, यदि धर्म की व्यवस्था के रूप में सामान्य रूप से धर्म की बात करें, तो धर्म का नियंत्रण कहाँ पे है, आस्था। आस्था पूरी हो जाए, है ना, आस्था पूरी हो जाए, और आस्था पूरी होने के लिए कोई प्रलोभन भी हो सकता है और कोई भय भी हो सकता है। तो धर्म बेसिकली उसका केंद्र आस्था है। आगे बढ़ें, यहाँ तक बात ठीक हो गई, अब तो कुछ शेष बचा नहीं। सारी विश्व की सारी व्यवस्थाएं हमारी बनाई हुई इतनी ही हैं, तो विश्व की सारी बनाई सारी व्यवस्थाओं का सॉफ्टवेयर हमने देखा कि उसका सॉफ्टवेयर कैसा है और वो कैसे अधूरा है, इसको देखेंगे। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ध्यान से, एक मानव स्वनियंत्रित, फाइनली मानव का स्वनियंत्रित होना ठीक है कि परनियंत्रित होना ठीक है? स्वनियंत्रित होना ठीक है। तो क्या मानव भय प्रलोभन आस्था का प्रयोग हजारों साल से मानव पे हुआ है? यदि सभी मानव को देखा जाए तो मेरे गुरुजी कितने भी अच्छे से ही है ना, लेकिन उससे मैं स्वनियंत्रित हो पाऊँ और मेरा परिवार स्वनियंत्रित हो जाए, ये प्रयोग कितना सफल होता हुआ दिखाई देता है? उस सेंस में देखेंगे तो दूसरे के प्रभाव में मैं गलत नहीं सोचना चाहता, या दूसरे के प्रभाव ऐसा होता है कि वहाँ मेरे को गलत विचार कम आता है। मंदिर में हम जाते हैं, किसी भी पवित्र जगह को जिसको हम पवित्र मानते हैं, वहाँ जाने से हमारा बहुत सारा विचार नियंत्रित हो सकता है। किसी को ऐसा लग सकता है कि मैं बाहर की तुलना में यहाँ ज़्यादा नियंत्रित होता हूँ, किसी व्यक्ति के पास या किसी, लेकिन फाइनली मेरा भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाए और उसमें भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से लेके संबंध में जीना, सब कुछ सफल हो जाए, ये दूसरे के प्रभाव से होगा कि स्व के प्रभाव से होगा? तो अभी तक की हमारी सारी यात्रा के बावजूद जो कुछ भी हमको उपलब्ध हुआ है, उससे हम तमाम लोग इस बात को चेक कर सकते हैं कि एक मानव के रूप में हमारे भाव और विचार कितने नियंत्रित हैं। तो हमारे भाव और विचार कितने नियंत्रित हैं तो उसकी सीमा हमको दिखाई देती है। वो पूरी तरह से स्वनियंत्रित हो जाए, ये घटना बहुत घटती हुई बहुत दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब है कि दूसरे की आस्था का एक लेवल का प्रभाव मेरे ऊपर हो सकता है, जिससे मैं बहुत सारी नेगेटिविटी से थोड़ा नियंत्रित रह सकता हूँ। कोई पॉजिटिविटी भी मेरे भीतर हो सकती है, सकारात्मकता भी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से मैं मुक्त हो जाऊँ ऐसा बहुत व्यवहारिक रूप में दिखाई नहीं देता है। तो एक मानव के दूसरों के द्वारा बेसिकली पर नियंत्रण का नाम शासन है, पर नियंत्रण ही शासन है। तो भय प्रलोभन आस्था पूर्वक क्या एक मानव स्वनियंत्रित हो पाता है? मासिस में ऐसा व्यवहारिक रूप में दिखाई नहीं देता है। तो समझ में आता है कि एक मानव भी स्वनियंत्रित हो जाए, भय प्रलोभन आस्था की एक सीमा है, उसमें भी आस्था सबसे पावरफुल है, तो भी उसकी एक सीमा हमको दिखाई देती है। यहां तक ठीक है? एक मानव जितना पावरफुली स्वयं को नियंत्रित कर पाता है, जब दूसरे को नियंत्रित कर पाता है तो उतना ही पावरफुली नियंत्रित कर पाएगा या उससे कम हो जाएगा? जितना मैं मजबूती से मेरे भाव और विचार को किसी आस्था से नियंत्रित कर सकता हूं, तो उतना मैं आपका भी नियंत्रित कर पाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां से यह समझ में आता है कि किसी भी परिवार में एक व्यक्ति की क्वालिटी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन पूरे परिवार की क्वालिटी को एवरेज करेंगे तो एक व्यक्ति से ऊपर होगी कि नीचे होगी? नीचे आ जाएगी। तो इससे ये पता चला कि एक व्यक्ति की क्वालिटी, परिवार की क्वालिटी एक व्यक्ति की क्वालिटी की तुलना में नीचे आ जाती है, क्योंकि भय प्रलोभन आस्था पूर्वक मैं दूसरे को उतना पावरफुली नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ। समाज की क्वालिटी परिवार की क्वालिटी के ऊपर होगी कि और नीचे आ जाएगी? और व्यापार की क्वालिटी, एक ही टूल बचा, ऊपर तो तीन थे कम से कम, तो व्यापार की क्वालिटी और नीचे, शिक्षा की क्वालिटी और नीचे, स्वास्थ्य की क्वालिटी धीरे धीरे और नीचे जा ही रही है ना, शासन का हाल देख ही रहे हैं और तमाम न्याय और धर्म तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि पर नियंत्रण पूर्वक स्वनियंत्रित मानव नहीं हो सकता। ये बात ध्यान में आई? और किसी परिवार में एक व्यक्ति के स्वनियंत्रित होने से काम चलेगा कि एक परिवार में सभी के समझदार होने से काम चलेगा? ये बात भी अब हमको स्वीकार होती है कि एक परिवार में सभी प्रौढ़, सभी बड़े लोग समझदार हों, स्वनियंत्रित हों, ऐसा वो भी चाहते हैं और ऐसा बच्चे भी चाहते हैं और इसकी आवश्यकता भी है। तो इसका मतलब है ये तो काम चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। और जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, तो जिसको हम आधुनिक शिक्षा कह रहे हैं, आधुनिक शिक्षा को बेसिकली हम विज्ञान शिक्षा ज़्यादा कह रहे हैं, विज्ञान शिक्षा को ही आधुनिक शिक्षा मान रहे हैं,
उसका एक बड़ी बड़ा योगदान है कि उसने तर्क को स्वीकार किया, शिक्षा में तर्क को स्वीकार किया गया, जैसे आस्था में तर्क को स्वीकार नहीं किया गया। आस्था में मानो, उस पर क्वेश्चन खड़ा मत करो, आस्था ने परमिट नहीं किया। विज्ञान ने किसी भी सच्चाई को जानने के लिए तर्क का स्वागत किया और क्वेश्चन पूछने को एंटरटेन किया। इसलिए अभी के बच्चों का बिल्कुल एक शिफ्ट हमको दिखाई देता है कि हम लोग बेसिकली एक आस्था वाले माइंडसेट से आते थे, हमारे बच्चे पूरी तरह से अब लॉजिकल हो गए और उनकी भाषा में भी लॉजिक बहुत स्ट्रांगली आता है, पापा ये बात लॉजिकल नहीं है। और वो राम के आचरण को भी लॉजिकल लॉजिक से ही देखता है, वो कृष्ण के आचरण को भी लॉजिक से ही देखता है, और लॉजिकली वो आचरण सेट नहीं होता है तो उसको क्वेश्चन खड़ा करने में कोई देर नहीं है, उसको कोई ऐसा ख़राब नहीं लगता है। हमारे बचपन में हम राम और कृष्ण को कोई लेके बुरे विचार भी मन में आ जाएँ, उसको भी थोड़ा ऐसा लगता था कि कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ा शिफ्ट आया है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि तर्क के आधार पर सभी समझ सकते हैं, सभी समझ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आया है। आज 5 साल के बच्चे को भी लगता है कि मैं सब कुछ समझ सकता हूँ। हमारी एज में या हमारे से और पहले वाली एज में बड़े लोगों को भी, सबको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि मैं समझ सकता हूँ। कुछ ही लोगों को पता रहता है, बाकी सब लोग फॉलोअर होंगे, ऐसा ही माना जाता था। लेकिन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया। क्या इम्पैक्ट आया? तर्क आने से आस्था पे भी क्वेश्चन खड़ा हो गया और हम तमाम चीजों का आंसर दे नहीं पाए, तो आस्था ब्लास्ट हो गई। अभी लगभग सभी विश्व की साधनाओं का भी ऐसा हाल है कि उसके साधकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। विश्व के सभी धर्मों में भी युवाओं की संख्या लगातार घट रही है, सही अर्थों में। अब कोई नौकरी पाने जाता हो, मत्था टेकन, तो मंदिर में बढ़ती हुई भीड़ से ज़्यादा लेन देन नहीं है। किस पर्पज़ के लिए आदमी जा रहा है, सवाल इस बात का है, उस रूप में देखते हैं। तो तर्क से आस्था पे क्वेश्चन खड़ा हो गया, है ना। जैसे जिस जगह में हम बैठे हैं, यहाँ हो सकता है 20 साल पहले खेती होती हो, अब फर्श लग गया, अब खेती नहीं हो सकती। तो ये कह रहे हैं कि तार्किक मानसिकता के साथ अब आस्था के प्रयोग सफल नहीं होंगे। अब अपने बच्चे को बोलते हैं, नहीं समाज में ऐसा चलता है, तुम ऐसा करो, वो कहता है ये सब नहीं चलेगा, हमारा धर्म ऐसा कहता है, लॉजिकल नहीं है, तो धर्म को भी बाजू में रखो। तो अपना धर्म चलेगा ना, माँ बाप चलेंगे ना, आस्था चलेगी। लॉजिक से उसको कन्विंस हो जाए और वो अपने अनुकूल लॉजिक घड़ लेता है। जिस बात को उसको मानना है वो लॉजिक बना लेगा, जिसको नहीं मानना है उसका लॉजिक भी उसके पास होता है। तो इससे एक बात तो समझ में आ गया कि हमारा सॉफ्टवेयर अब आउटडेटेड हो गया। आस्था का सॉफ्टवेयर अभी की युवा पीढ़ी के साथ में आउटडेटेड हो गया। आस्था ब्लास्ट हो गई, आस्था ब्लास्ट हो गई तो भय भी ब्लास्ट हो गया। कैसे? कहता है क्या करोगे, तुम मारोगे ही नए लोग, आ जाओ, तुम यही कर सकते हो। एक बढ़िया कहानी सुनाता हूं। हमारे एक मित्र थे, उनका 18-20 साल का बेटा शाम को देर से आए और कभी कभी दारू पी के आए, तो उन्होंने हड़काना शुरू किया उसको, तुमको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा और तुम घर में नहीं रहोगे। तो रात को वो आए तो गेट बंद कर दिया, अंदर नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला, वो भी बाहर सो गया। उसको पता है आधे घंटे बाद खुद आएंगे उठ के, बेटा बाहर सोया रहे गार्डन में, माँ बाप अंदर बेडरूम में सो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। आधे घंटे बाद आए, ले गए, फिर कोई दिन बैठ के बोल दिया तो ऐसे ये सब नहीं चलेगा इस घर में, यहाँ रहना है तो ठीक से रहो। एक दिन बोल दिया प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। तो एक दिन बेटा बोलता है कि पापा आज बैठ के बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया आप ऐसी बातें कर रहे हो जो आपको शोभ, आपको बोलना शोभनीय नहीं, ये कोई सही आचरण नहीं है जिस तरह की भाषा आप प्रयोग करते हो, आज बैठ के बात कर लेते हैं।
बोले नहीं 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 आज बैठेंगे और बात करेंगे। बैठ के बात शुरू हो गई। देखो आप 3-4 बार ऐसा बोल चुके हो तो आज शांति से तय कर लो, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि मैं आपके बिना जी सकता हूँ, आपकी प्रॉपर्टी के बिना जी सकता हूँ, मेरी तरफ से क्लियर है। अब आप बता दो मैं केवल इसलिए रुका हुआ हूँ कि मेरे जाने के बाद आप दुखी होगे, तो आप ये कह दो कि तुम चले जाओ और हम दुखी नहीं होंगे, तो हम दोनों के रोज़ रोज़ दुखी होने का झंझट खत्म हो जाएगा। मैं भी जाना चाहता हूँ। अब क्या बोलेंगे माँ बाप? सारे हथियार खत्म, सब तेरे ये बेटा जवाना आ जा। तो ऐसा है। तो ये गीदड़ भव की हमारी ये इस तरह के सारे तरीके, अब भय प्रलोभन आस्था अब काम नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आस्था गई, भय भी गया, प्रलोभन भी गया, अब ये सिस्टम कहाँ जाएंगे? अब ये मानव कहाँ जाएगा? अब तक ये अपने आप को भय प्रलोभन आस्था से नियंत्रित किए हुए था, अब आस्था गई, अब इसकी जीवन शैली कैसी होगी? अब इसकी जीवन शैली कुछ भी हो सकती है। अब ये सारे हिट एंड ट्रायल करेगा। जो सुखी होने का एक पैटर्न हमने बनाया था, जीने का एक पैटर्न हमने बताया था, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, और सुबह उठ के माँ बाप को नमस्ते करो, और तुलसी को पूजा करो, और घर में थोड़ी पूजा करो, और तो दान तपस्या करो, अब पूरा मॉडल चला गया। अब जीने का मॉडल क्या हो सकता है? अब वो कहता है कि गांजा लेना कोई ये तुम समस्या मत समझो, ये आजकल का चलन है, और महीने में एक बार लेने से कोई इसमें खास बात नहीं है। तुम समझते नहीं हो मेरे दोस्त क्या क्या करते हैं। हंसना अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? हंसना अच्छी बात है कि रोना अच्छी बात है? ज्यादा खुश होते हैं जोर से हंसते हैं? देखो तुम ही हंस रही हो। हाँ जी, कहाँ पहुंचे? क्या चर्चा हो रही थी? गांजा, गांजा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल और रिलेशनशिप अब कुछ नहीं बचा, किसी भी सीमा तक गाड़ी जाएगी और कहीं तक भी गाड़ी जाएगी, और हमारे पास कोई आधार नहीं है किसी चीज़ को बचाने का। क्या सही है क्या गलत है वो आधार हमारे पास ख़त्म हो गए। इसका मतलब है कि फिर परिवार किधर जाएगा, समाज किधर जाएगा? और ऐसे भी जब हम स्वयं को जिंदा मानकर जीने के धरातल पर जी रहे हैं, और जब रूप बल धन पद हमारे लिए सब कुछ है, आज हमारी पहचान के लिए, बेटा हो बच्चों, देखो उनका शिविर चालू है, बोले तुम अपना चलाओ हम अपना चलाएंगे। ऐसे भी जब हम अपने आप को रूप बल धन पद के आधार पर तौल रहे हैं, वही हमारी इज्जत का आधार है, पहचान का आधार है। तो देखो अभी एक आदमी अपने करियर के नाम पर, उसको लगता है कि मेरा करियर इम्पॉर्टेंट है, तो परिवार उसमें हाँ में हाँ मिलाए तो ठीक, और हाँ में हाँ ना मिलाए वो सही है गलत है, कौन गलत है कौन सही है इसकी चर्चा अभी नहीं करते। लेकिन यदि वो परिवार उसमें सहयोग दे तो ठीक है, नहीं सहमत होता है तो वो अपने तरीके से रास्ते तलाशने के लिए तैयार है। तो इस रूप में देखा जाए, अब परिवार की कोई जर्नी अपने आप में नहीं बची है, व्यक्ति की इंडिविजुअल जर्नी बची है, इंडिविजुअल पहचान बची है। पहले बोलते थे कि परिवार का नाम रोशन करेगा, याद है? अब ये सेंटेंस गायब होता हुआ दिखाई देता है। अब परिवार का नाम रोशन होगा कि नहीं होगा, वो खुद सेलिब्रिटी होना चाहता है या खुद वो अपना नाम कमाना चाहता है, तो परिवार कहीं पीछे छूट गया है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस रूप में देखा जाए तो एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के लिए रात दिन सोचता है, चलिए परिवार के लिए भी कुछ लोग रात दिन सोचते हैं, व्यापार के लिए कुछ लोग रात दिन सोचते हैं, शिक्षा के लिए भी सोचते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी सोचते हैं, न्याय के लिए भी, धर्म के लिए भी, समाज के लिए। हम सब ज़्यादा बाजार का हिस्सा हैं कि समाज का हिस्सा है? जोर से बोलो, बाजार का। क्योंकि हम माँ बाप भी एक ही दौड़ में लगे हैं कि ज़्यादा पैसा कैसे आएगा,
तो हम भी ज़्यादातर देखा जाए तो बाजार का हिस्सा हैं। इस रूप में देखा जाए तो समाज की स्थिति क्या होगी? तो समाज की स्थिति अभी कैसी है? समाज का शोषण करके व्यापार विकसित होता है, समाज का शोषण करके शिक्षा विकसित हो रही। समाज का, समाज मतलब क्या चीज़ है? समाज मतलब भाव की दुनिया है। इस रूप में देखा जाए तो सभी समाज का शोषण करके, है ना, जबकि सच्चाई क्या थी? व्यापार किसके लिए? समाज हमारे घर का आंगन है। समाज वो चीज़ है जहाँ आदमी की सारी पूंजी डिपॉजिट होती है। एक आदमी अपने परिवार को छोड़ के शरीर यात्रा पूरी करता है, एक बच्चा उस परिवार में नया आता है, तो उसको क्या मिलता है? तो उसको समाज मिलता है। समाज का मतलब है कि लोग कैसे उठते बैठते हैं, आपस में किस तरह से व्यवहार करते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, मानसिकता कैसी है। तो समाज में मानसिकता, लोगों की मानसिकता देख के वो तय करता है कि अब मुझको क्या करना है। जैसे एक 18 साल के बच्चे से पूछो कि समाज के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, तो क्या बोलेगा, क्या उत्तर मिल सकता है? वो कहता है मेरे को दिया ही क्या है समाज ने। और वो गलत नहीं कह रहा है, उसने अपने परिवार के बाहर हर चीज़ को खरीद के पाया है, पैसे से पाया है, तो उसके भीतर कहाँ ही एहसास आएगा कि समाज नाम की कोई चीज़ होती है। इसका मतलब यह हुआ, तो मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि समाज मेरे घर का आंगन है, और आंगन से गुजर के मैं अपने घर में आता हूँ, और यदि आंगन गंदा है तो गंदगी घर में आएगी कि नहीं आएगी? इस रूप में देखा जाए तो समाज का वारिस कौन? परिवार। तो परिवार भी इसी चक्कर में लगा है कि हमारा घर का साइज कैसे बढ़े और घर की गंदगी बाहर डाल दें, है ना, सारी स्थितियाँ आप देख ही रहे हो। इसका मतलब है कि समाज की हमको पड़ी नहीं है, जबकि हमारा बच्चा आचरण वाले भाग में यदि कुछ सीखता है तो वो समाज से पाता है। तो इसका मतलब है समाज अपने आप में लावारिस है, और आगे आने वाले दिनों में और लावारिस होगा कि कम होगा? और लावारिस होगा, क्योंकि ये दौड़ और बढ़ी रही है। आस्था टूटेगी तो ये पूरा चैन टूटेगा। तो पहले कम से कम कि नहीं, आस्था से हम बंधे हुए थे, अब कोई नई चीज़ समझ में आ नहीं रही है। लॉजिक केवल हमारे पास है, लॉजिक अपने आप में दिशाहीन होता है। लॉजिक समझने के काम आता है, लॉजिक समझाने के काम आता है, लॉजिक जीने के काम नहीं आता है। जीना तो भावपूर्वक ही होता है, जीना भावपूर्वक ही होता है, लॉजिक समझने और समझाने के काम आता है। अभी की युवा पीढ़ी के साथ इसको लिख लीजिए, अपने में नोट कर लीजिए कि जीना भावपूर्वक ही होता है, लॉजिक के साथ में जीना नहीं होता है, लॉजिक समझने और समझाने के काम आता है। लॉजिक समझने और समझाने के काम आता है। यदि समझने और समझाने के प्रोसेस में हम भावपूर्ण हो जाते हैं तो हमारा जीना हो जाएगा। फाइनली मानव के साथ जीना भावपूर्वक ही होता है। लॉजिक के साथ जीने का मतलब है कि अभी मैं शिविरों में देखता हूँ तो इस तरह की भी चीज़ें दिखाई देती हैं कि शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, तो रात को 2 बजे तक तुम बच्चे को देखोगे, उसके बाद मैं देखूंगी। ये बिल्कुल टाइम तय करके हो रहा है, क्योंकि अब दोनों का टाइम बंधा हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत मैथमेटिक्स के ढंग से तय करके ज़िंदगी शायद नहीं चलेगी, शायद भावपूर्वक ही ज़िंदगी चलेगी। कि एक काम में, किसी एक मामले में पति कमज़ोर हो सकता है या उसको सहयोग की आवश्यकता होती है, किसी दूसरे मामले में पत्नी मजबूत हो या वो उसके तुलना में, तो ये 50-50 नहीं हो सकता है, लॉजिकल नहीं हो सकता है। ज़िंदगी हमेशा भावपूर्वक ही चलती है। तो वो ज़िंदगी का नियम अलग है, समझने समझाने के लिए लॉजिक की भूमिका ज़रूर है। तो इन सब के क्रम में देखते हैं तो कहाँ वो गैप है वो हमको दिखाई देता है। तो इस क्रम में देखते हैं तो आने वाले समय में ये पूरा प्रोसेस कहाँ जाएगा? पिछले 40 साल को देखें तो कहाँ जा रहा है? 40 साल पहले परिवार जैसा था उससे मजबूत हुआ है कि कमज़ोर हुआ है? समाज, व्यापार के प्रति हमारा भरोसा बढ़ा है कि घटा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, धर्म, ये तेजी से घटता हुआ दिखाई देता है। और आने वाले समय में ये बढ़ेगा कि और घटेगा? और घटेगा। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा साइकिल ब्लास्ट होने की तरफ जा ही रहा है। तो अल्टरनेट क्या होगा? हमारे पास जीने का आधार क्या होगा? पुरानी मान्यताएं तेजी से ध्वस्त हो रही हैं, नया कोई स्पष्ट आधार हमारे पास है नहीं। कुल मिला के यहाँ से माई लाइफ माई रूल शुरू होता है, और मैं पैसा कमाता हूँ इसलिए किसी को मेरे लिए कुछ बोलने का अधिकार है नहीं। जैसा मैं जीना चाहूँगा वैसा मैं जीऊँगा,
और वो सही गलत जिस भी दिशा में जाए। हाँ जी भैया, समाज भी जातियों में बटा हुआ है। हाँ, वो पहले से भी बटा ही हुआ था, तो पहले से भी उसकी अपनी प्रॉब्लम पहले से भी चली आ रही हैं। वो जो प्रॉब्लम थी पहले से, वो अपने आप में कम ज़्यादा है ही हैं, और नई और समस्याएं पैदा हो गई हैं। मतलब कोई सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, पहले भी किसी प्रॉब्लम में थे ही, धीरे से कुछ नई प्रॉब्लम और सामने आ गई। हाँ जी, पीछे कुछ कहना चाहते हैं। हेलो सर, आपने जैसे बताया कि हम जो है पिछली बार से और डिक्रीज लेवल पे या फिर डिक्रीमेंट की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, तो इस किस मामले में? संबंध के मामले में। सुविधा हमारी पहले से बेहतर हुई है, गाड़ी पहले से बेहतर हुई है, देखो क्या बढ़िया बढ़िया है, ठीक है। तो फिजिकल लेवल पे चीज़ें बेहतर हुई हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ, और संबंध के लेवल पे हमको आदमी का, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, आदमी के साथ जीने का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, ये आदमी से निपटना बहुत मुश्किल है ऐसा लगता है। हाँ जी सर, लेकिन देखा गया है कि पहले किसी समय पे जो जितनी भी, या घर का हो चाहे परिवार का हो, पुरुष प्रधान हुआ करता था। बिल्कुल। तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि उस समय पुरुष प्रधान था तो आज भी पुरुष प्रधान है, इसलिए विकास नहीं हो रहा है? या उस समय सास ये समझती थी कि मैं मेरी बहू से बहुत ज़्यादा बलवान हूँ, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही वो करेगी, तो उससे रिलेट करें? या फिर ये आज समझें कि जिस तरह आपने एग्जांपल दिया है कि 2 घंटे मतलब 2 बजे तक जो है पिता संभालेगा, 2 बजे बाद फिर जो है माता संभालेगी, तो इन दोनों के बीच का बैलेंस कहाँ है, वो गैप किस तरह से भरा जा सकता है? देखो, समस्या अभी भी यही है। पहले किसी हद तक ये था कि भाई घर में एक बड़ा है और सब कोई उसकी मानेंगे, समाज में कोई एक बड़ा है और बाकी लोग फॉलो करेंगे। राजनीति में कुछ लोग हैं जिनकी, जिनका लोग सम्मान, हमारे समय में, हमारे बचपन में राजनेताओं का वो सम्मान था जैसे देवता उतरते थे, ऐसे देवता उतरते थे। छत्तीसगढ़ में बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू आए थे तो आदिवासी 50 किलोमीटर दूर से पैदल चल के केवल देखने आया था कि जवाहरलाल नेहरू कैसा दिखता है। एक मतलब एक अलग तरह का सम्मान था। सर, उसी तरह से ठीक धर्म के, और धर्म का भी अपनी जगह जो भी एक सम्मान रहा, समय के साथ साथ उसकी अपनी जो भी प्रॉब्लम रही वो अपनी जगह है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, आस्था के चलते कुछ ऊंचे आदर्श समाज में थे, कुछ ही लोगों में थे जैसा भी उसको बोलें, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे पैसा आया, साधन आए, हो सकता है हमारी भीतर की चेतना की स्थिति ऊंची उतनी ऊंची नहीं थी, हमने बाहर से आस्था ओढ़ी हुई थी, उनको माना हुआ था। जब सुख, इंद्रियों से सुख पाने के तरीके सामान्य सबके लिए होते गए, पहले वो मरने के बाद स्वर्ग में अप्सरा मिलती है और हूर मिलती है, स्वर्ग का हाल इतना ही है, सभी धर्मों में एक समान है। बिल्कुल सर। सर एक आजकल अप्सरा इधर ही मिलती है तो क्यों उसका इंतजार उधर करें, है ना? तो सब इधर ही टूट पड़े, और जो जितना सक्षम था उसके लिए ज़्यादा अप्सरा उपलब्ध थी। बिल्कुल सर। तो कुल मिला के गाड़ी जहाँ पहुँचनी थी पहुँच गई। सर, मैं सुख से एक चीज को और जोड़ना चाहूँगा, धर्म को और सुख को, कि हम जो है सुख पाने के लिए किसी भी सीमित दायरे में नहीं रहते हैं, कि जिस तरह से हमको सुख मिल जाए बस हम उसी तरह से उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, चाहे वो सुख हमारे को हमारी मानसिक स्थिति से मिले, चाहे हम वो किसी, जैसे हम धर्म के नाम पे देखें तो धर्म के अंदर ये देखते हैं कि हम कोई रत्न पहन लें, कोई साथ में, या कोई जो है रुद्राक्ष वगैरह धारण कर लें, गौ तो की पूजा। बहुत सारी चीज़ें, आश्वासन है वो अपने आप में सुख है नहीं, आश्वासन है मिलेगा, अब मिलता है कि नहीं मिलता है ये पता नहीं है, लेकिन आश्वासन के सारे गाड़ी लंबी चल जाती। अब एक इसको मैंने इस कड़ी से जोड़ा है कि इस पहले सेशन में आपने बताया था कि जो है मानव जो है इंसान जो है वो गुफा में रहा करता था, और किसी टाइम पे जब टेलीस्कोप का निर्माण नहीं हुआ तो हम ये किस तरह से जान पाए कि वो 9 ग्रह थे, और उन 9 ग्रह के चक्कर में जो है ये चक्रव्यूह चल रहा है जिसके कारण उस मानव उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है? नहीं, ऐसा क्यों बोले? तो ये बोले कि हाँ, कि कोई बढ़िया सृष्टि है, उसमें कोई बढ़िया नियम है, उसमें कोई मानव है, उन नियमों को समझने का प्रयास हम पहले से भी कर रहे हैं, कुछ पहले से समझ पाए हैं, है ना? पहले कुछ ही लोग थे जिनको ये समझ बनती थी, आज ज़्यादा लोगों को समझने की संभावना है। देखो, जड़ संसार के बारे कहेंगे तो हमारी ज़्यादा क्लैरिटी बनी है, लेकिन जीने का कोई लक्ष्य नहीं है तो उन्हीं साधनों को भोग के सुखी होने की कामना है, गोल गोल उसमें घूम गए। तो मानव का लक्ष्य नहीं है, समस्या इतनी है। तो यदि इस पूरे पूरे प्रोसेस में देखेंगे
तो गाड़ी कहाँ जा रही है। देखो ये इस बात की चर्चा है कि आदमी अकेला नहीं है। मैं आधा घंटे पूजा में बैठ के अपना मन शांत कर लूँ और मुझको अच्छा भी लगे, ये हो सकता है। लेकिन फाइनली मैं किसी सरकार के तले रहता हूँ, मैं किसी संविधान के तले रहता हूँ, मैं किसी बाजार के तले रहता हूँ, और उन सब के प्रभाव भी मेरे परिवार पे, मेरी ज़िंदगी पे आते हैं। तो जब तक समग्रता में चीज़ों के आंसर हमारे पास नहीं होंगे, तब तक हम लंबी दूरी तक कोई चल पाएँ और समाज के रूप में चल पाएँ। साधना भी फिर व्यक्ति है, मेरा सारा परिवार मिलके कोई एक साधना करेगा ऐसा भी कहना मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि एक ही जगह है जब हम सबके लिए कोई बात कर सकते हैं, तो वो एजुकेशन है। तो क्या कोई एजुकेशन का ऐसा स्वरूप हमारे पास हो सकता है जहाँ सही अर्थों में, यदि राजनीतिक ढांचे में कमी है तो उसके भी सॉल्यूशन हमारे पास हों, है ना? तो एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक समाज और व्यवस्था के सारे सॉल्यूशन हमारे पास हों, फाइनली वो सॉल्यूशन देना शिक्षा का काम है। तो शिक्षा में क्या उन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकते हैं, तो 20 साल में क्या दिया जाए कि उसके बाद किसी शिविर की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद सर। 20 साल में क्या दिया जाए कि किसी शिविर की आवश्यकता ना पड़े, एक आदमी का थॉट प्रोसेस, उसकी समझ, उसके जीने का स्वरूप, उसका स्किल, सब कुछ इतना एम्पावर्ड हो सके कि वो शानदार ज़िंदगी जीने का हकदार है और ऐसा ज़िंदगी जीने का विश्वास उसको आ जाए। तो इस रूप में सारी बात कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वो अकेला नहीं है, वो किसी परिवार में पैदा हुआ है, और परिवार में ही पैदा नहीं हुआ है, समाज के साथ उसका एक संबंध होता ही है, और कल उसकी शादी होने के बाद वो संबंध और गहरा होता ही है। हम किसी बाजार से कोई लेन देन करते ही हैं, किसी अर्थव्यवस्था में रहते ही हैं, किसी राजनीतिक ढांचे में रहते ही हैं। तो ज़िंदगी एकांगी नहीं है, हम किसी टापू पे एक जंगल में पेड़ के नीचे नहीं जी रहे हैं, हम एक समाज के रूप में, एक परिवार के रूप में जी रहे हैं। बढ़िया, कहाँ पहुँचे इस पूरी चर्चा में, कहाँ पहुँचे पूरी चर्चा में, कहाँ पहुँचे? हाँ जी, माइक पीछे, दो माइक। इस पूरी चर्चा से क्या निकला? सर, कल हमने जो बात की थी कि मानव तो शिकायत मुक्त हो जाए, परिवार संबंध मतलब आपस में हो जाए, तो इन सब के रेस्पेक्ट में व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, न्याय और धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए? जब एक परिवार के शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होने की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक परिवार का घर खर्च कैसे चलेगा? वो किसी बाजार से चलेगा। एक परिवार अभी तक अपने सोचने समझने की बात किसी धर्म अध्यात्म से पाता रहा है, कल परिवार में लड़के की शादी होगी तो कहाँ होगी, समाज से कोई बेटी आएगी। तो इसका मतलब है कि जब मैं परिवार की बात कर रहा हूँ तो मेरी स्वास्थ्य, मेरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था होगी, शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था होगी, है ना? तो मैं एक परिवार अकेला हूँ या मैं एक परिवार पूरे समाज का एक बिल्डिंग ब्लॉक है? तो समाज की सबसे छोटी इकाई का नाम परिवार है। समाज की सबसे, परिवार अपने आप में एक छोटा समाज है। परिवार अपने आप में एक छोटा, सबसे छोटे समाज का नाम परिवार है। बताइए इस पूरी चर्चा से क्या निकला? हाँ जी, माइक आगे, एक माइक आगे इधर दीजिए। इस पूरी चर्चा से क्या निकला? इस पूरी चर्चा से मुझे जो समझ आया कि जीने देना ही जीना है, और जीना एक व्यवस्था से है, वो व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था हमको अपनानी है। प्रकृति की व्यवस्था में जिस प्रकार से एक पदार्थ में परमाणु का जो रोल है, उसी प्रकार से एक यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एक समाज आते हैं हम धीरे धीरे, एक कड़ी दर कड़ी आते हैं, और उस समाज में भी जिस प्रकार से पदार्थ में एक परमाणु का रोल है, उसी प्रकार से हमारा भी एक रोल है, और हमारे सुधरने से ही जग सुधरना है, और हम सुख की ओर हैं, और वो सुख जो है वह भी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जीकर ही हमको सुख की प्राप्ति हो सकती है। अतः हमको अपने संतानों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है
वो हमको फॉलो कर कर ही एक स्वस्थ समाज बनेंगे, तो हमें एक अच्छी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। कहाँ से आए आप? मैं सर इटावा से हूँ। अच्छा, किसके थ्रू आए? मैं सर राकेश पांडे जी हैं, जो श्रमिक भारती कानपुर के डायरेक्टर हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके माध्यम से आपसे जुड़ी, और मैं जिस पथ पर निकली थी उस पथ को आगे बढ़ने में ये जो शिविर है वो एक बहुत अति उत्तम योगदान दे रहा है, और मुझे लगता है कि मैं अपने संतान और अपने समाज को एक स्वस्थ रूप में ढाल सकने में एक सही कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हूँ और आगे भी दूंगी, ये मेरा विश्वास है और एक वादा भी है। धन्यवाद। बहुत बड़ी। हाँ जी, और हाँ, अभी तक जो मैं समझ पाया वो यही है कि हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और ये व्यवस्थाएं कहाँ से संचालित होती थी, कौन नियंत्रित करता था, ये एक इल्यूजन ही था अब तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एट द मोमेंट देखिए, ये जो तरीका है ना सभा का, जैसे घर में आप YouTube पे शिविर कर सकते हो, पड़े ही हैं, लेकिन जब YouTube पे शिविर करते हैं, जो लाइव शेयरिंग है, शिविर में मन से क्या बोला गया ये एक बात है, लेकिन आप में से एक एक व्यक्ति किस एंगल से उस सच्चाई को देखता है और कौन सा तार हमको छू जाएगा ये हमको भी पता नहीं। बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए कि अब तक हम यहाँ तक ये समझ पाए हैं कि चीज़ें कैसे नियंत्रित हो रही है, कौन कर रहा है, क्या नियम है, क्या व्यवस्था है, ये एक इल्यूजन ही था। हाँ। और हम सबके पास अलग अलग आंसर थे। बहुत बढ़िया। और उसके पहले जैसे मॉर्निंग सेशन में या पता नहीं कल की बात हो सकती है, एक पूछा था कि घर में कैसा होना चाहिए और स्कूल में कैसा होना चाहिए, तो मुझे लगता है सारे भ्रम का कारण ही यही है कि हम एस्केप करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स एस्केप करना चाह रहे हैं कि स्कूल भेज रहे हैं स्कूल वाले पढ़ाए, टीचर एस्केप कर रहे हैं, मेरे को तो मेरा कोर्स कराना नंबर देने, तो घर में भी एस्केप है, पेरेंट्स का भी और टीचर का भी एस्केप है, जबकि दोनों का एक संयुक्त रूप से जो कह सकते हैं कि बींग रेस्पॉन्सिबल, पेरेंट्स भी कंप्लीट रेस्पॉन्सिबल समझे अपने आप को, और टीचर भी, टीचर पेरेंट्स होने का प्रयास करें और पेरेंट्स टीचर होने का प्रयास करें। इसका एक ही मतलब है कि शादी क्यों की है ये समझ में आए बिना हमने शादी की है, तो शादी क्यों करना है इसकी क्लैरिटी हमको नहीं है। जितने लोगों ने शादी की है अपनी अपनी कॉपी पे लिख दें कि उन्होंने क्या सोच के शादी किया था, है ना, और जितने लोगों की नहीं हुई है वो बता दें कि उनको करनी है कि नहीं करनी है, तो उनका भी पता चल जाएगा। तो पूरी सभा में से मेरा ऐसा अनुमान है अधिकांश लोगों को नहीं क्लैरिटी है कि शादी करना क्यों है, और शादी क्यों करना है, और बच्चे बाय डिफ़ॉल्ट आ गए, जिस काम की हमको समझ ही नहीं थी, एक तो वो हमने बिना समझे किया, अब जो काम किया ही बिना समझे है उसका आउटपुट और सब कुछ ऐसे ही पूरा प्रॉब्लम जाएगा। तो मुझको लगता है कि एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि शादी क्यों करना है, इस पर क्लैरिटी बनने की ज़रूरत है कि शादी करने के पीछे मूल कारण क्या है। जी आप बोलिए। और अब तक चलिए अव्यवस्थाओं से आगे के दिनों में जो संभावनाएं बनती दिख रही है कि कम से कम अभी ये क्लियर हुआ है कि शिक्षा ही आने वाले समय में वो माध्यम बन सकता है जिससे सभी व्यवस्थित हो सके। हाँ, और शिक्षा किसका काम है? देखो, बच्चों को जन्म हमने आपने दिया है, बच्चों को जन्म हमने आपने दिया है, और यदि मेरे को लगता है कि ये सभा सोच के बताए कि बच्चों को आचरण देने की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक पार्टी की है कि माँ बाप की है, बच्चों को एक सही आचरण देने की जिम्मेदारी किसी मल्टीनेशनल कंपनी की है, सरकारों की है, कि सही अर्थ में एक सही आचरण देने की जिम्मेदारी, या ये किसी दूसरे के द्वारा संभव भी नहीं है। यदि बच्चों को सही आचरण देने का काम होगा तो वो मूल रूप में शिक्षा में भी लोअर लेवल की शिक्षा, लोअर लेवल मतलब एट्थ या टेंथ तक की शिक्षा की बात कर सकते हैं, तो ये देखा जाए तो ये माँ बाप का काम है, ये सरकारों का काम है भी नहीं, हम अनावश्यक सरकारों को दोष दे रहे हैं, ये उनके बस का भी नहीं है, संभव भी नहीं है। जी बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया तार पकड़ा,
कि ये चाहे मैं एक मानव के रूप में अपनी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि चाहे मैं अपने परिवार की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि तमाम धर्म और व्यापार और राजनीति तमाम व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ, ये सारी व्यवस्थाओं के मूल तार कहाँ से जुड़े हैं, ये सब कुछ कैसे चल रहा है, यदि इसकी मेरी समझ नहीं होगी तो मैं इन सब से नियंत्रित तो हूँ। राजनीति का हमारी ज़िंदगी में प्रभाव है कि नहीं है, धर्म का है कि नहीं, बाजार का है कि नहीं, ठीक है, तो सब चीज़ का हमारी ज़िंदगी में प्रभाव तो है। इसका मतलब है कि ये सारी व्यवस्थाएं चल कैसे रही हैं वो क्लैरिटी हुए बिना मेरा चलना नहीं हो पाएगा, परिवार का चलना नहीं हो पाएगा, और मैं अपने बच्चे को अपने परिवार में कुछ दे पाने के लिए हम ढंग से सफल होंगे ये कहना मुश्किल। जी, मूल रूप से जिस तरीके से चला के व्यवस्थाएं चलती कैसे हैं, तो उसमें जो सबसे पहली इकाई है वो है व्यक्तित्व, वो है मानव निर्माण। मानव निर्माण की व्यवस्था जिस तरीके से आपने बताया, तीन है, भय, प्रलोभन और आस्था, इनके माध्यम से पूरी व्यवस्थाएं नियंत्रित होती हैं। अब तर्क के आधार पर ये व्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही हैं, और मूल रूप से देखा जाए तो कोई भी शक्ति है या केंद्र है या यूनिट है वो सुकेंद्रित तो हो सकती है, प्रकेंद्रित तब तक रहेगी जब तक उनका प्रभाव हम पर रहेगा, वो क्षणिक हो सकती हैं, कुछ समय के लिए हो सकती हैं। तो मूल रूप से हमें वो तार जोड़ने की आवश्यकता है कि कहाँ से हम सुनियंत्रित होंगे, और उनके लिए एक तो हम पे थोपी गई या समझाई गई चीजें हैं जो हम समझ ही नहीं पाए, बिल्कुल हम परंपरागत रूप से मान्यताओं के आधार पर चलते रहे हैं। अब हमें आवश्यकता है कि उनको जानने की, यदि उनमें सत्यता है, उन वो ज्ञान का भंडार जो हमारे पास अभी है काफी है, वहां से यदि हम मूल रूप से कनेक्ट कर पाए अपने आप को, तो ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधरती चली जाएंगे, क्योंकि मानव से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, और समाज पूरे तंत्र को नियंत्रित करता है, यही मूल रूप से है। तो सत्य ज्ञान का आभास जिस दिन हो जाएगा, अपने आप को जब इन मान्यताओं से, इन तर्कों के आधार पर कसौटी पर कसकर हम एक स्वस्थ ज्ञान जो परिचर्चा चल रही है यहाँ पे उसको समझ पाएंगे, तो सारी व्यवस्थाओं का समाधान हो जाएगा। चलिए, बढ़िया, हरियाणा में काफ़ी उज्ज्वल संभावनाएं हैं। मैं इसको दो मिनट लेके इसको पूरा कर देता हूँ। यदि मानव पैदा होता है तो किसी परिवार में ही पैदा होता है, और परिवार का नाम ही, परिवार ही मिलके समाज के रूप में है, और फाइनली हमने कुछ मानवकृत व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि ये समाज ठीक से चलता रहे, जिसमें एजुकेशन, धर्म, ये सारी व्यवस्थाओं की बात है ना कर सकते हैं। तो अब ये भी समझ में आता है कि ऊपर वाले को घेरे में देखें तो तीन क्वेश्चन मार्क है। मानव पदार्थ के साथ जिया, मानव पेड़ पौधे के साथ में जिया, मानव पशु पक्षी के साथ में मिलिया, तीनों को मिला के एक शब्द में कहा ग्लोबल वार्मिंग। इधर नीचे आए तो पता चला और मामला बढ़ गया। बच्चा बड़ा होता है तो उसको लगता है परिवार उसको समझ नहीं रहा है, बच्चे को लगता है परिवार मनमानी कर रहा है, परिवार को लगता है समाज ठीक नहीं है, तो नीचे वाले क्वेश्चन में सारे ही क्वेश्चन मार्क है। तो इसको नाम दिया फैमिली वार्मिंग। तो मानव की एंट्री इस प्लेनेट पे ऐसे होती है जैसे विलेन की एंट्री होती है फिल्म में, सब लाल ही लाल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेसिकली वो स्वयं को शरीर मान के जीता है, वो अपने आप को मानव के रूप में नहीं पहचानता है, वो जिंदा रहने को जीना मानता है, इंद्रियों से सुख की तलाश में है, रूप बल धन पद से अपनी पहचान की तलाश में है, जो कि सही एड्रेस नहीं है। तो कल सही एड्रेस को पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30।